अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर हुसैन असलमी माजिद होम्योपैथिक क्लिनिक दीना से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल असलमिया होम्योपैथिक वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एनोरेक्सिया या भूख की कमी, जिसकी मुख्तलिफ काजेज हो सकती हैं। अमूमन लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से या किसी क्रॉनिक इलनेस की वजह से, खून की कमी की वजह से, मौसमी असरात की वजह से या मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से अमूमन भूख में कमी वाकया होना शुरू हो जाती है, जिसका शिकार ज़्यादातर बुज़ुर्ग और बच्चे होते हैं। यंग पर्सन्स में ये अलामत जो है एनोरेक्सिया या भूख की कमी की बनिस्बत बच्चों और बूढ़ों में बहुत कम होती है। इसमें जो हम होम्योपैथिक अद्वियात यूज़ करते हैं इंतहाई मौसर अफेक्टिव साबित होती हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फल्फा 30, कार्बोवेज 30, चाइना 30 एंड चेलीडोनियम 30। इन चारों अद्वियात को इक्वलेंट मिक्स करके 5 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने से 15 मिनट पहले इस्तेमाल करें। इसके साथ अल्फल्फा सिरप डॉक्टर विल्मर श्वाबे जर्मनी का अल्फल्फा टॉनिक जो है उसकी भी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम रेगुलर इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिन ये अद्वियात का इस्तेमाल करें और अल्लाह के फजल और करम से भूख में खातर खा इजाफा जिससे होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली इसकी डोज जो है वो कम करते जाएं। 1.5 से 2 माह तक ये अद्वियात इस्तेमाल करें, लिक्विड जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो बाजार की अशिया है वो खुराक में कम इस्तेमाल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।